नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है, नाटो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसका एक सदस्य देश डेनमार्क आए दिन कुछ ऐसा काम करता है या उनसे ऐसा कुछ हो जाता है जिससे नाटो की लगातार फजीहत हो रही है। और यह नया न्यूज इसी से संबंधित है। हुआ यह है कि डेनमार्क का एक शिप, वॉरशिप कहा जाए, एक युद्धपोत, उसने एक मिसाइल हार्पून को टेस्ट किया, उसके लिए बूस्टर को चलाया गया, लेकिन बूस्टर चलाने के बाद वो ऑफ ही नहीं हो रहा है लो, और इस कारण से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। और पूरी बात क्या है, हम लोग पहले उस पर आते हैं, देख लेते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आप चीजों को समझ जाएंगे। पहली बात तो यह है कि नाटो का जो सबसे बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत लंबे समय से हो रहा है नाटो का एक्सरसाइज, जिसको आपने कहा हुआ है स्टील्ड फर्स्ट डिफेंडर, पूरा नाम है इसका 2024। यह शायद शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा नाटो के मेंबर्स का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है या सैन्य अभ्यास आप कहेंगे। आपको सब पता है कि नाटो में 32 देश है। अब नाटो का जो एक्सरसाइज है, करीब करीब माना जा रहा है 6 महीने तक एक्सरसाइज चलेगा, और यह 5 अप्रैल को ही समाप्त होने वाला था यहां पर, जो इस एरिया में, डेनमार्क वाले जो एरिया में हो रहा था एक्सरसाइज। लेकिन समाप्ति से एक दिन पहले ही, क्योंकि मैंने कहा कि एक्सरसाइज बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा है, अटलांटिक का नॉर्थ से लेकर के पूरा बाल्टिक सी तक, और जैसा कि मैंने आपसे कहा पूरा यूरोप से लेकर के ब्लैक सी तक है, तो कई भागों में विभाजित भी है, कई ग्रुप्स में डिवाइड भी है ये एक्सरसाइज। जिस ग्रुप में डेनमार्क है उस ग्रुप का एक्सरसाइज आज ही समाप्त होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले कल ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे शर्मसार हो गया नाटो। होता क्या है, ये जो जहाज आप देख रहे हैं ये युद्धपोत है, जो डेनमार्क के एक सैन्य बेस में लगा हुआ था, सैन्य बेस वहां के बंदरगाह में लगा हुआ है। इसका नाम है फ्रिगेट नील्स ज्यूवेल। फ्रिगेट नील्स ज्यूवेल मतलब कि फ्रिगेट बोलते हैं बेसिकली युद्धपोत को, तो इस तरह से नाम यदि कहा जाए तो नील्स ज्यूवेल है। और यह खड़ा कहां है, यह खड़ा है कोसोर्स, एक शहर है डेनमार्क में, अभी आपको दिखाएंगे हम कोसोर्स शहर कहां पर है। बेसिकली वह एक नौसैनिक बेस है डेनमार्क का, वहीं पर यह खड़ा है, उस शहर में एक बेस है नौसैनिक बेस, वहां खड़ा। और इससे क्या किया गया, इस एक्सरसाइज के दौरान एक हार्पून मिसाइल का परीक्षण किया गया। हार्पून मिसाइल कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए आप, ऐसा मिसाइल होता है, इसका परीक्षण किया गया। और इसके नीचे जो होता है एक बूस्टर लगा हुआ होता है। यदि मैं इसके फिगर पढ़ाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूं, ये पूरा इसका हार्पून मिसाइल का एक फिगर है। यहां पर जो शुरुआत में होता है एक बूस्टर होता है, उसके बाद इंजन होता है, उसके बाद फ्यूल टैंक होता है। यदि मैं फर्स्ट इसको कहूं, सेकेंड नंबर मैं कहूं आपको जेट इंजन, थर्ड नंबर फ्यूल, फिर वॉरहेड होता है, रेडार होता है इसमें लगा हुआ। तो बेसिकली नीचे में बूस्टर क्या करता है, उतना न्यूटन थ्रस्ट उसको देता है शुरुआत में, जो इनिशिएशन, जो आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। यदि उतना थ्रस्ट आप नहीं देंगे तो वो मिसाइल काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि हुआ यह कि यह बूस्टर जो है उसको चालू किया गया, क्योंकि अभ्यास चल रहा था और यह अनिवार्य था कि डेनमार्क अपना शक्ति को दिखाए और एक मिसाइल को छोड़े, हार्पून मिसाइल को। अब प्रॉब्लम क्या हुआ इसको पहले समझेंगे। बूस्टर को जब चालू किया गया तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, वह यह है कि जिस हार्पून का परीक्षण करना था उसमें वॉरहेड लगा हुआ नहीं था। वॉरहेड का मतलब हथियार लगा हुआ नहीं था, सिंपल एक रॉकेट था, मतलब आप मान लो यहां तक था, या इसको माइनस करके आप यहां तक, मतलब क्या, वो बहुत दूर तक तो जाएगा लेकिन विस्फोट नहीं करेगा, हवा में जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा लेकिन उसमें कोई हथियार नहीं है इसलिए विस्फोट नहीं होगा। लेकिन फिर भी हुआ क्या, बूस्टर लॉन्च हो गया और अब वह ऑफ ही नहीं हो रहा है और मिसाइल चला भी नहीं
और बूस्टर ऑन तो किया गया, मिसाइल नहीं चला और अभी भी खतरा बना हुआ है उस पूरे क्षेत्र में कि कहीं आने वाले समय में बूस्टर ऑफ नहीं हुआ तो ऐसा ना हो जाए मिसाइल आगे बढ़ जाए। अब ध्यान यह रखने वाली बात यह है कि जोखिम तो है ही, ठीक है। यहां पर एक बात यह जरूर कहा गया वह यह है कि उसमें मिसाइल में नहीं है कुछ भी हथियार, लेकिन आने वाने वाली जहाज जो है उसको एक शक पैदा हो गया, जोखिम हो गया। यदि बाय चांस समझिए कि मिसाइल गया और किसी जहाज से टकरा गया, पाने वाले जहाज से, या कुछ ऊंचाई पर वो हवाई जहाज से टकरा गया या किसी शहर की ओर चला गया, तो क्या होगा? यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे फिगर में, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये देखिए, ये डेनमार्क का पूरा मैप है और यह है कोर्सेस, यहीं पर वो जहाज लगा हुआ था। और ये दो आपको डेनमार्क का ये दो आइलैंड दिख रहा होगा, ध्यान से समझ लें, एक है जीलैंड और एक दूसरा है फुनन। जीलैंड और फुनन ये डेनमार्क से अलग दो टापू हैं, दो आइलैंड हैं, डेनमार्क का ही अंग है। और याद रखेंगे जो कोपेनहेगन है वो इसी आइलैंड पर, जीलैंड पर है। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो नॉर्थ सी है और ये जो बाल्टिक सी है इस साइड, इसको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं ग्रेट बेल्ट। यही अवरुद्ध हो गया है, इसको बंद कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि यहां पर खड़े हुए जहाज ने जब उस मिसाइल को दागा तो रॉकेट अभी तक बंद नहीं हो, सॉरी बूस्टर अभी तक बंद नहीं हो सका है। और इस कारण से क्या हो गया, यहां से जाने वाली सारी जहाजों को रोक दिया गया है। और यही मेन रास्ता है, यदि किसी को बाल्टिक सी तक पहुंचना है और बाल्टिक कंट्रीज तक पहुंचना है तो इसी रास्ते से ग्रेट जो बेल्ट है, एक प्रकार का ये क्या है, एक स्ट्रेट है, एक वाटर स्ट्रेट है, एक जल मरु दम है। और यही सबसे बड़ा, इसी को, इसी में दिक्कत आ गई है और इसको एक तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया और इससे व्यापार भी बाधित हो रहा है और एक प्रकार से संपर्क भी टूट गया है बाल्टिक नेशन तक आने के लिए। यहां पर एक बात आप लोग और भी ध्यान रखेंगे वो यह है कि ये जो हार्पून मिसाइल है इसके बारे में दो चार लाइनें और भी आप जान लें। पहला बात तो आपने जो फिगर देखा था वो आपने ये देखा था, ये जो मैंने एक फिगर बताया था ये उसका डायग्राम है और ये हार्पून मिसाइल, ये बेसिकली जहाजों में ही लगता है और ये एंटी शिप मिसाइल है, किसी जंगी जहाज को उड़ाने के लिए एक जहाज के द्वारा चलाया गया मिसाइल। लेकिन इस मिसाइल जो हार्पून मिसाइल है, इसके जो बेसिकली निर्माता है वो अमेरिका की कंपनी मैकडोनाल्ड डगलस कंपनी ने इसका निर्माण किया था। और वैसे तो इस कंपनी का निर्माण 1967 में हुआ था, आगे चल करके माना जाता है कि इस कंपनी ने 1977 में 1977 में बड़ा अत्याधुनिक एक मिसाइल बनाया जिसको हार्पून कहा गया। और ये आगे चल करके ये कंपनी जो है मैकडोनाल्ड डगलस, इसका विलय कर दिया गया बोइंग कंपनी के साथ में 1997 में। तो आज के तारीख में यदि कहा जाए तो हार्पून का निर्माता जो है वो बोइंग कंपनी है। हाँ, बोइंग कंपनी का ही एक सब डिवीजन बनाकर रखा गया है मैकडोनाल्ड डगलस, ठीक है, इसके नाम से अभी भी है, लेकिन इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। दोनों ही अमेरिकन कंपनी थी आपको पता। तो यहां पर आपने इस सब चीजों को देखा, जरूर इन सब चीजों को ध्यान में रखें और इसको समझें। और ये दो आइलैंड के बारे में मैंने आपसे कहा, इसको भी जरा समझे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये फजीहत अभी हुई, लगातार हो रही है। कुछ ही दिन पहले एक और भी चीज हुआ, डेनमार्क का एक शिप है इवर ह्यूटफेल्ट, यह भी कुछ दिन पहले अपने काम से या काम के कारण चर्चा में रहा। क्या है, इस जहाज, यह जहाज बेसिकली लाल सागर में था और हैती जो विद्रोही है जो ड्रोन से लगातार हमला कर रहे थे
तो नाटो के नेतृत्व में कुछ जहाजें वहां तक पहुंची, कुछ क्षेत्र को सही किया जाए। डेनमार्क का एक शिप पहुंचा जिसका नाम मैंने अभी कहा आपसे। लेकिन हुआ क्या कि इधर हैती हमला कर रहा है और उधर जहाज का जो वायु रक्षा प्रणाली है 30 मिनट तक के लिए बंद हो गया। दूसरा पॉइंट, जो गोले दागे गए वो समय से पहले फट गए। अंततः इस फ्रिगेट को यानी ये युद्ध पोत को वापस बुला लिया गया और डेनमार्क की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। लगातार बेइज्जतियों का सामना डेनमार्क कर रहा है। एक दिन पहले यहां पर हुआ और एक तरह से कहा जाए आज यहां हुआ। इस घटना के बाद जो लाल सागर में हुआ और इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, इसके बाद ये आज का न्यूज है जो आप देख रहे हैं, वो यह है कि डेनमार्क ने फायर कर दिया डिफेंस चीफ को। माना जाता है रिपोर्ट लिखने तक 3 बड़े अधिकारी जो डिफेंस में है उनको फायर कर दिया गया है, यानी पदच्युत कर दिया गया है। तो आपने देखा कैसे डेनमार्क लगातार नाटो के लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है, या कहा जाए बेइज्जती का एक सबब बन रहा है। चलिए यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।